हेलो हेलो सर। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो सर नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हम जम्मू कश्मीर से सर। अरे अभी तो मैं आया था, श्रीनगर में था मैं अभी। तो बताएं क्या सवाल आपका। सर मैं आपकी डाइट केवल 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ सर, पर मुझे नहीं जा रहा है सर। वर्कआउट करते हो? सर मैं दिन में पीओपी का काम करता हूँ सर, वो बहुत ही हार्ड काम है सर। कोई बात नहीं, देखो हर कोई कोई ना कोई काम तो करता ही है, ठीक है? काम तो देखो करना ही करना है। तो क्या सर मैक्सिमम मेरे काम ही ऐसे हैं जिसके साथ पसीना आता है सर, पूरा दिन मैं पसीने में डूबा ही रहता हूँ, फिर भी नहीं जा रहा सर। बैठ के काम करते हैं कुछ है? जी सर, पेंटर हूँ सर, कॉल सेंटर। तो देखो ठीक है, वो काम भी है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी मैटर करती है। आप जिम जो क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? जो आसपास जिम है वो ज्वाइन कर लो आप, ठीक है? देखो यूं रिजल्ट मिलेगा। देखो सर हमारे यहाँ, सर मैं गाँव से हूँ, यहाँ पर तो कोई भी जिम वगैरह नहीं है सर, अगर होती तो मैं जरूर ज्वाइन अच्छा, करता। वॉक वगैरह कर सकते हो सुबह या शाम को? 1 घंटा वॉक चाहिए आपकी, 1 घंटा वॉक। सर वॉक तो शाम के टाइम ही टाइम हाँ निकाल जब सकते हैं सर, सुबह तो तो नहीं हो सुबह सकता। जल्दी, ये शाम को जल्दी सो जाओ, 1 घंटा सुबह जल्दी उठ जाओ, ठीक है? ये आप 1 घंटा वॉक करो, ठीक है? सर डाइट मुझे बताओ एक जरा, क्या सवाल आपसे पूछना था डाइट सर। बताओ, मॉर्निंग से लेके कैसे लेते हो डाइट जब? सर सुबह मॉर्निंग में मैं 1 से 2 गिलास वार्म वाटर लेता हूँ सर, गर्म करके उसमें नींबू डाल के लेता हूँ अच्छा सर। ठीक है, गरम मतलब हल्का गुनगुना पानी चाहिए उसके होता है, बाद सर ज्यादा 10 बजे मैं ज्यादा गर्म सभी नहीं करता चाहिए। हूँ, उसमें जो जो चीजें आपने बताई हैं सभी डाल के लेता उससे हूँ क्या लेते बताओ मुझे डिटेल्स में, जी सर। बताइए क्या लेते हैं डिटेल्स में, बताएं ना, डाइट बताएं मुझे जरा, मुझे तभी तो पता लगेगा। सर स्मूदी लेते हैं 10 बजे, उसके बाद क्या क्या जो जो डालते हैं, आपने उसमें क्या क्या बताया वो सभी चीजें उसमें ऐड। क्या क्या डालते हैं बताएं जरा, क्या क्या डालते हैं? सर 2 पुदीना डालते हैं, 1 गिलास दूध डालते हैं, पीनट बटर डालते हैं, ओट्स डालते अच्छा हैं, ठीक है, उसके बाद ड्राई फ्रूट डालते अच्छा हैं ठीक सर, है, और 1 स्कूप जो आपने वे प्रोटीन बताया था वो भी लेते हैं सर। अच्छा बहुत अच्छी बात है, ठीक है और आगे बढ़ो। सर उसके बाद लंच में सर लेते हैं राजमा और चावल लेते हैं सर, नॉर्मल व्हाइट राइस सर, साथ में मैंने बोला दही और लेनी उसके है साथ साथ में, सैलेड सर ज्यादा खाते हैं दही लेते हैं साथ में, दही सर। दही शाम के वक्त लेते हैं, मतलब डिनर में लेते हैं सर। देखो डिनर में अवॉइड करो दही, दही को सुबह लेना होता है या दोपहर को लेना होता है, रात को दही नहीं लेते, ठीक है? तो आप दही को दोपहर को कर लेना। चलो आगे बढ़ो, फिर शाम को क्या लेते हैं? जी उसके बाद सर टी वगैरह तो मैंने सभी बंद कर रखी है, वो मैं कोई भी नहीं पीता नहीं, हूँ आपकी सर। वो टी तो अच्छी आती है, क्या कहते हो, पिंक टी आती है आपकी, कश्मीरी कहवा भी आता है, वो अच्छे होते हैं, वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कावा लेते हैं सर, जब सुबह स्मूदी अच्छा लेते हैं 10 बजे, उसके बाद कावा लेते हैं सर, केवल 11 बजे सर। ठीक है फिर बताओ और बताएं आगे। और ज्यादा ना सर चिकन ही चलता है सर, चिकन खाते रहते हैं, उसका कोई इशू तो नहीं है सर। देखो नॉन वेज ठीक है, दिन में क्या ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, देखो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप खाते हो ठीक है, तो कोशिश करो 2 दिन 3 दिन तक कम से कम अवॉइड करो नॉन वेज को ना, 3 दिन नॉन वेज मत खाओ। मैं भी वहां पे था, 3 दिन मैंने वाजवान खाया और उसके बाद मैं पक गया था, उसके बाद मैंने नेक्स्ट 3 दिन मैंने खाली वेज खाया, ठीक है? तो नॉन वेज देखो दिन में केवल एक सर बार खाना, मैंने एक बार से ज्यादा नहीं खाना, ठीक है? हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन ऐसे हो जो आप खाली वेज खाओ। हाँ आगे बढ़ो, चलो सर उसके बाद ना सर मैंने तकरीबन 6 महीने से सर मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, उसके साथ मैं कमजोर होता जा रहा हूँ सर। अच्छा देखो क्या होता है ना, आपको उतना खाना है जितनी आपको भूख है, ठीक है? तो अगर आपकी भूख ज्यादा है तो आप ज्यादा खाओ, समझ रहे हो? आपको अपनी बॉडी के हिसाब से काम करना है, ठीक है? मैंने बताया ये खाना है, लेकिन कितना कितना खाना है, कितनी रोटी खानी, कितना चावल खाना, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे ना। आपने दही ऐड करी, सलाद ऐड करा, तो साथ में रोटी चावल कितना खाना वो आप पे डिपेंड करता है। तो जितनी भूख है आप उतना खाओ, वो अच्छा है। सर सैलेड तो दो दो टाइम में खाता ही खाता हूँ सर, अगर चावल ना भी खाऊं फिर भी मैं सैलेड लेता ही हूँ, उसमें जो वो ब्लैक सॉल्ट होता है ना सर वो डाल के तो मैं सैलेड लेता ही हूँ सर। ठीक है देखो अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे ना 5 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं मिला था, 5 महीने हो गए मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला,
मुझे छठे महीने जाके रिजल्ट मिला। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसे ही आप डाइट फॉलो करो, फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है ये याद रखना, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करो, क्योंकि आपका एक ये डाइट ठीक है आपकी, और फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करो, आई एम श्योर आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, ना उम्मीद नहीं होना, बस ये याद रखें रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। सर सर अगर आप बोलें तो फ्लैक्स सीड को ड्रॉप करके कोई और बता सकते हैं सर? चिया सीड ले लो आप, चिया सीड को रात को भिगो दो और उसको स्मूदी में डाल लो, क्या मस्त टेस्ट आ जाएगा उसका, ठीक है दोस्त। बस ये है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करना है, बाकी आई एम श्योर आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाना चाहिए, क्योंकि आपकी हाई प्रोटीन डाइट भी है, आप नॉन वेज भी ले रहे हो, वे प्रोटीन भी है, तो प्रोटीन की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सैलेड भी आप ले रहे हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लेने, जो सीजन के फ्रूट्स आते हैं श्रीनगर में, आप सीजन के फ्रूट्स भी ले, जब भूख लगे आप फ्रूट ले लें, ठीक है, तो आई एम श्योर आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाना चाहिए। फ्रूट्स यहाँ पर एप्पल ही होते हैं सर, और वो मैं मैक्सिमम खाता ही रहता हूँ। मैंने भी वहाँ पे बहुत शहतूत भी खाया, मैंने वो ऑरेंज प्लम्स आते हैं वो भी खाए मैंने, उनमें काफी मैंने वहां से तोड़ तोड़ के खाए, फ्रूट्स बोटेनिकल गार्डन में लगे हुए थे, हमने खूब खाए वहाँ पे। चलिए अपना ख्याल रखें, और दोस्त बस ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ आपको। शुक्रिया सर, मुझे लाइव लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। शेख हैदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइव आए, अपना ख्याल रखें। ओके, डार्क सर्कल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो मेरा है, लेकिन आज भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक डार्क सर्कल क्रीम भी आती है उसको भी मैंने रिव्यू किया है, तो आई थिंक कल वीडियो आएगा डार्क सर्कल पे, डार्क सर्कल पे कल वीडियो आ रहा है शाम को 4 बजे। सर मैं 6 मंथ से डाइट फॉलो कर रही हूँ, बट अभी तक 10% रिजल्ट मिला। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फिजिकल एक्टिविटी फोकस करो, तभी रिजल्ट आपका कम है।